सप्तपाद दीक्षा से अगर गुरु योग है और उसको पीछे गुरु का आदेश है ये काम करने वाला, वो गुरु नहीं है कर रहे, कितने नहीं कर रहे, सभी कर रहे, तो गुरु कृपा से ही आगे हो रहा है। सत्यपाद दीक्षा की मेरे को अकारण सामर्थ्यता दे दी, तो जो नाम बताऊं उससे कुंडलिनी जाग जाएगी। अब वो फिर सारा आपका शरीर मन प्राण बुद्धि अपने बस में कर लेगी, सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी। हर एक को अलग अलग योग होगा, क्योंकि जिसका जो सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है उसी को वो कुंडलिनी स्टिमुलेट करेगी, टोन अप करेगी, और जब तक वो अंग पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाता वही योगों का। इस प्रकार आपके सारे फिजिकल रोग खत्म हो जाएंगे, शारीरिक बीमारियां, चाहे गठिया है, अस्थमा है, डायबिटीज है, समझे। अब वो गठिया को तो इनक्योरेबल बताते हैं, और 10% बीमारियां अभी क्योरेबल है मेडिकल साइंस के हिसाब से। आप सब अपने आप में पूर्ण हो, मगर आपको तरीका नहीं बताया किसी ने अंदर घुसने का। बाहर से अंदर घुसते हो। एक महर्षि अरविंद की किताब में इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बॉडी, एक लड़का ध्यान में बैठा था, अपनी बॉडी से निकलेगा किसी अपने मित्र के, वो वेंटिलेशन से अंदर चला गया। अब वो उसको अपने प्रेजेंस बताने की कोशिश की, मगर वो फिजिकल बॉडी तो थी नहीं, सबटल बॉडी थी। फिर वो वापस आया तो पैरों से घुसने की कोशिश की, फिर स्लिप हो गया। फिर घबरा कर देखा मर जाऊंगा, तो मदर थी आश्रम की, अरविंद आश्रम की फ्रांसीसी औरत, उसको याद किया तो यहाँ से मतलब हार्ट से घुसता है, हार्ट से निकलता है, समझे। एक मुनेसर नाम का टीटी है रेल में जोधपुर में, उसकी लड़की 6-7 साल की थी 97 में, तो जमीन से 1.5 फीट ऊपर उठ जाते थे। अब सबडल बॉडी उड़ जाए तो बात समझ में आए, फिजिकल बॉडी उसकी, फिर आइंस्टाइन और न्यूटन का सिद्धांत कहाँ गया। जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में ब्रह्मांड भी सारा है, ब्रह्मांड का रचयिता भी सारा है, और वो कुंडलिनी जो है मदर ऑफ यूनिवर्स वो भी अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो आपको मिलेगा बाहर से नहीं मिलेगा, अंदर से मिलेगा। मैं तो अंदर एंटर होने का एक तरीका बता दूंगा भाई, और जो मुझे वाला आप सबको मिलेगा, मगर नाम जब करोगे तो मिलेगा, समझा। मेरे माँ आप में कोई फर्क नहीं है, मैं गृहस्थी हूँ, आप भी गृहस्थी हो। आपने मुझे ऊपर बिठा दिया तो मैं बड़ा नहीं हो गया, आप छोटे नहीं हो गए, ये तो एक व्यवस्था चली आ रही है। परंतु ये ज्ञान जो है गुरु के बिना नहीं मिलता, समझे। आज जितने भी धर्माचार्य हैं उनके कोई गुरु नहीं है। पातंत्र योग दर्शन में अष्टांग योग की बात है, योग के 8 अंगों का अनुष्ठान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। समाधिपाद पहले पहले समाधिपाद में 24 से लेकर 29 सूत्र तक श्री ऋषि ने साफ कहा है कि हरि नाम के जप के बिना कोई सिद्धि नहीं, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि उससे अभाव मतलब जो कष्टों का अभाव हो जाता है, जो कष्ट भोग चुके वो भोग चुके, आगे नहीं भोगोगे। ये बात भगवान कृष्ण ने कहा कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ। महर्षि अरविंद ने इस बारे में बहुत अच्छा लिखा है, आपको आश्चर्य होगा कि अरविंद के बारे में वैश्य को जानकारी है ही नहीं। विवेकानंद जी, योगानंद जी अमेरिका गए थे, उनकी जानकारी तो है, मगर महर्षि अरविंद की नहीं है। मैंने अभी 100 किताबें भेजी है USA, वो सारे सीनेटर्स को एक एक भेज दूंगा। नशा तो हम भी मानते हैं, नशा प्रॉपर दवाई है, पर वो मैटर का नहीं स्पिरिट का होना चाहिए। इस संबंध में नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग दतुरा नानका उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम का नशा आ जाता है,
इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, डॉक्टर बड़े हैरान है। चैलेंज के साथ आते थे, फिर जो चैलेंज करके आता है उसमें ये शक्ति ज़्यादा एक्टिव होती है। कविदास ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो मैं जो आपको नाम दूंगा उससे आपको एक नशा आ जाएगा, बिना किसी खुमारी आ जाएगी, नाम खुमारी आ जाएगी। और क्योंकि उतरती नहीं है, दवाई वाला उतर जाता है, इसलिए वो टेंशन खत्म, फॉरएवर खत्म, जीवन भर के लिए खत्म। मेरी एक किताब है रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, इंग्लिश की है एडिशन। वो ईसाई मेरे से परेशान इसलिए हैं कि ईसा 18 साल गायब रहा था उनका, 12 साल की उम्र में गायब हो गया, जो 30 साल की उम्र में वापस वहीं जाकर प्रकट हुआ, और वहां जाके फिर वो हमारे दर्शन की बात बोलने लग गया। एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन, ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने ये बी बोर्न अगेन तो भारतीय टर्म्स है, 8 मास के शरीर की रचना करते हैं पहले गुरु, वो दूसरा आत्म साक्षात्कार करने वाला है। मैंने कहा मेरे पास आओ, ले वो दीक्षा और अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देख लो, तो कहाँ जन्म मार कित 18 साल कहाँ रहा दिख जाएगा, वो तो परेशान है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ था, अब विशेष तौर से आश्चर्य इसलिए कर रहा है विज्ञान के रोग ठीक हो रहे, जिनको इनक्योरेबल कहती है वो क्योर हो रहे। तो ये इसका एक तरीका है, अपने आप की शक्तियों को चेतन करने का तरीका है। आप लोग बाय बर्थ पूर्ण हो, मेरे माँ में कोई फर्क नहीं है, मैं गृहस्थी हूँ, आप भी गृहस्थी हो। आपने मुझे ऊपर बिठा दिया तो मैं बड़ा नहीं हो गया, आप छोटे नहीं हो गए, ये तो एक व्यवस्था चली आ रही है। परंतु ये ज्ञान जो है गुरु के बिना नहीं मिलता, समझे। आज जितने भी धर्माचार्य हैं उनके कोई गुरु नहीं है, समझे। मैं तो नौकरी करता था रेलवे में, भाई हेडक्लर्क था, तो कोई विशेष परिस्थितियों वश मेरे को भय लगने लग गया। फोबिया जिसे आपके, तो फोबिया अकारण मृत्यु भय लगता है। तो मेरे एक मित्र थे श्री राम दुबे, उन्होंने कहा ये आपको तो मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता है, तो बताया था मैंने कहा, फिर ये तो सभी को आएगा भाई। कहने लगे बचा भी जा सकता है, मैंने कैसे? कहने लगे जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब कर्मकांड था, मैं क्या दुबे जी हमसे तो मेरे से तो नहीं होना ये, आप आने दो इस मार्केस को। तो उन्होंने कहा ये गायत्री मंत्र से भी हो सकता है, मैंने वो तो जप लूँगा। तो बाकायदा उन्होंने यज्ञोपवीत धारण करवा करके और सारा, तो मैंने सर्दी के नवरात्रि शुरू किया था, 1 जनवरी को उसकी सिद्धि हो गई। मैं नहीं जानता था पहले अर्थ क्या है। वास्तव में उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। अब तो रोज उठता था उस वक्त, आँख तो खुल गई, अब वो ध्यान लग गया, अंदर प्रकाश ही प्रकाश दिखे, कोई ऑर्गन्स नहीं दिखे। मैं पहले कुछ समय के लिए बीकानेर में प्रोफेशनल मेल नर्स की कोर्स में था, तो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम में हमको साथ ले जाते थे, तो लीवर कैसा है, तिल्ली कैसी है, हार्ट कैसा है, फेफड़े कैसे हैं, किडनी कैसी है, वो सब मेरे को मालूम था, कोई ऑर्गन नहीं दिखे। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो गया, दिखता तो आग से एक बार अंदर कैसे डिवाइन फॉर्म में बदल गई बॉडी, एक दूधिया प्रकाश में। मैं प्रकाश को देखता रहा, इतना में एक भंवरे की गुंजन सुनाई दी पेट में, काला भंवरा होता, आवाज पे कंसंट्रेट हुआ तो वो नाभि से जपा जा रहा है गायत्री मंत्र। मैंने कंठ से जपा, वो नाभि से जपा जा रहा है।
जैसे साइकिल घुमाओ चाहे तो एंडलेस तपा जा रहा है। लोगों ने कहा ये तो सिद्धि हो गई। बीकानेर में पुष्करणा समाज के बहुत ब्राह्मण हैं, पंडित हैं अच्छे, वो आए कैसे हुआ? मैंने कहा ये हो गया। तो कहे तो आप फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए, अब इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लाखों रुपए देंगे, हमारा बुलाव जाए आपके साथ। पहले तो मैं नहीं समझा, फिर जो मेरे अंदर जो परिवर्तन आया अपने आप में महसूस होने लगा, मैंने कहा ये तो गड़बड़ तो होगी तेरे में। फिर उन्होंने कहा पंडित जी ये तो घाटे का सौदा है, सोना देऊँ और लोहा लेऊँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। बहुत जोर लगाया, मैंने इनकार कर दिया। तो आखिर में एक सर्टिफिकेट दे गए, कहने लगे ये जाट है, इसकी अक्ल में नहीं आएगा, चले गए बेचारे। तो मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं तो आपको मतलब अपने आप से इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो ये सिद्धि होगी निर्गुण निराकार की। महर्षि अरविंद ने इस बारे में बहुत अच्छा लिखा है, आपको आश्चर्य होगा कि अरविंद के बारे में वैश्य को जानकारी है ही नहीं। विवेकानंद जी, योगानंद जी अमेरिका गए थे, उनकी जानकारी तो है, मगर महर्षि अरविंद की नहीं है। मैंने अभी 100 किताबें भेजी है यूएसए, वो सारे सीनेटर्स को एक एक भेज दूंगा। और मेरी शिष्या जूही पागदार मिशिगन में अभी रह रही है। पिछले दफ़े तो पागदार जी, प्रमोद पागदार यहाँ थे, अभी तो भास्कर समूह के वो संपादक हैं। तो इस प्रकार ये परिवर्तन आता है नाम जप से। विवेकानंद जी बीच में आ गए, उनको पढ़ा तो कहना गुरु के बिना नहीं बढ़ सकते, तो गंगाई राज गुरु बना लिया। ये जामसर में रहते थे, 31 दिसंबर 1983 को ब्रह्मलीन हो गए। जाते हुए तो कह गए आगे काम तेरे को संभालना है, तो 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और ये काम कर रहा हूँ। 11-4-55 से 30-6-86 तक रेलवे की हेड क्लर्क की। तो अब आदेश है कि इस दर्शन को विश्व दर्शन बना। अमेरिका तो दुबई गया था मैं, उन्होंने कहा जी कितने अमेरिकन आएंगे, आप क्यों नहीं आ जाते? मैंने कहा आ जाऊंगा, आप बुलाओ तो। पर वाया नई दिल्ली बुलाओ, तो आएगा इनविटेशन नई दिल्ली तो ठीक, नहीं तो जोधपुर बैठा हूँ मैं मेरे। तो इस प्रकार वो कृष्ण की भी सिद्धि होगी, दोनों सिद्धियाँ होगी। दोनों सिद्धियाँ नहीं तो एक सिद्धि तो होती है, और सिद्धि के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहाँ पहुँचना ही मोक्ष है। निर्गुण निराकारी पहुँचते हैं, सगुण साकारी पहुँचते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाए तुलसी चरणा मतलब सात्विक जीवन जीवे, तो केमिकली जो बदलाव आता है दोनों में आता है। तो अरविंद ने कहा कि अगर एक ही जन्म में, किसी अगले जन्म में नहीं, दोनों सिद्धियाँ हो जाए निर्गुण और सगुण की, तो फिर जिसके लिए एसेंड करना पड़ता था वो डिसेंड कर गया। इसको महर्षि अरविंद ने टेरिस्टोरियल इमोर्टिलिटी कहा, पार्थिव अमृतत्व। जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। तो एक अजीब योग दे दिया उन्होंने। तो हरि नाम के पातंत्र योग दर्शन में अष्टांग योग की बात है, योग के 8 अंगों का अनुष्ठान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। समाधिपाद पहले पहले समाधिपाद में 24 से लेकर 29 सूत्र तक श्री ऋषि ने साफ कहा है कि हरि नाम के जप के बिना कोई सिद्धि नहीं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उससे अभाव मतलब जो कष्टों का अभाव हो जाता है, जो कष्ट भोग चुके आगे नहीं भोगोगे। ये बात भगवान कृष्ण ने कहा कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ। वहाँ बहुत है, 50 लाख पटेल है। मैं कन्नू भाई पटेल के यार ठहरा हुआ था न्यूयॉर्क में, वो अहमदाबाद के पास के हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके बहुत बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट है, हर संडे को जाते हैं। और दिन में 20 दिन फोन किया तो जय श्री कृष्ण जी गुंजा दिया उन्होंने पूरे अमेरिका को, 50 स्टेट में। तो इसलिए मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको जपना है। राधा और कृष्ण का मंत्र है, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व के बाद कह लो, शब्द और प्रकाश की बात कह लो,
इसमें दोनों तत्व है, पृथ्वी तत्व है सांसारिक सुख देगा, आकाश तत्व है वो मोक्ष देगा। तो ये निष्काम कर्मी हो गए, ये क्योंकि ये कृष्ण की जन्म कर्म भूमि है, इसलिए यहाँ इसको मुझे बहुत ज़्यादा पिछले दफे रिस्पॉन्स मिला, अब के भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उस नाम जब से आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी, जैसे आप राधा सीता पार्वती अम्बा कुछ भी कह लो, बाहर पूछते हो, हमारे योगी ने उसको कुंडलिनी कह दिया। वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में सैक्रम बोलते हैं डॉक्टर उसको, बेसमेंट को, उसमें 3.5 आंटे लगा के दुम को मुंह में दबा के सोई हुई रहती है। शक्तिपाद दीक्षा से अगर गुरु योग है और उसको पीछे गुरु का आदेश है ये काम करने वाला, वो गुरु नहीं है, कर रहे कितने नहीं कर रहे, सभी कर रहे, तो ये गुरु कृपा से ही आगे हो रहा है। शक्तिपाद दीक्षा की मेरे को अकारण सामर्थ्य दे दी। तो जो नाम बताऊं उससे कुंडलिनी जाग जाएगी, अब वो फिर सारा आपका शरीर मन प्राण बुद्धि अपने बस में कर लेगी, सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी, हर एक को अलग अलग योग होगा, क्योंकि जिसका जो सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है उसी को वो कुंडलिनी स्टिमुलेट करेगी, टर्न अप करेगी, और जब तक वो अंग पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाता वही योग होगा। इस प्रकार आपके सारे फिजिकल रोग खत्म हो जाएंगे, शारीरिक बीमारियाँ, चाहे गठिया है, अस्थमा है, डायबिटीज है, समझे। अब वो गठिया को तो इनकरेबल बताते हैं, और 10% बीमारियाँ अभी क्योरेबल है मेडिकल साइंस के हिसाब से, समझे। हिमोफीलिया ठीक हो गया नागौर में एक आदमी का, तो बीकानेर में अब्दुल अजीज सुलेमानी साहब डॉक्टर, अब रिटायर हो गए, गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने कहा ये तो नोबेल प्राइज का केस है, नोबेल प्राइज का केस। मैं उनसे बोला, मैंने कहा मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, वो नोबेल प्राइज नहीं है क्या? तो बड़ा आश्चर्य करते हैं लोग। तो दोनों सिद्धियाँ हो गई, इसलिए मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। हजारों मत, क्योंकि दो दफे होया है वहाँ, तो हजारों स्त्रियाँ जो ध्यान करती है और ये टाइम लेके बैठ जाती है, जितना टाइम लेती है उसी में अपना आप खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म, अब मानसिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड है, समझे। और वो मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं उसका, वो नशे की दवाई देते हैं, नशा रहता है 4-6 घंटे, तब तक कुछ नॉर्मल होता है आदमी, फिर वही टेंशन और रोग नशक वैसा। नशा तो हम भी मानते हैं, नशा प्रॉपर दवाई है, पर वो मैटर का नहीं स्पिरिट का होना चाहिए। इस संबंध में नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग दतुरा नानका उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम का नशा आ जाता है, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, डॉक्टर बड़े हैरान है, चैलेंज के साथ आते थे, फिर जो चैलेंज करके आता है उसमें ये शक्ति ज़्यादा एक्टिव होती है। कविदास ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो मैं जो आपको नाम दूंगा उससे आपको एक नशा आ जाएगा, बिना किसी खुमारी आ जाएगी, नाम खुमारी आ जाएगी। और क्योंकि उतरती नहीं है, दवाई वाला उतर जाता है, इसलिए वो टेंशन खत्म, फॉरएवर खत्म, जीवन भर के लिए खत्म। हाइपर टेंशन, लो पर टेंशन, छोटी सी बीमारी थायराइड 7 दिन में ठीक होती है, और डॉक्टर जीवन भर दवाई लो, कभी आधी गोली का, अभी 2-3 विजिट हर महीने में लेते हैं, यहाँ विजिट की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर इस बात से हैरान है कि मैटर को ये बिल्कुल किनारे करके केवल मंत्र से ठीक कर रहा है, ये उनके गले से नहीं उतर रही, समझे। एक अरविंद माथुर हमारे बीकानेर में, नहीं जोधपुर में डॉक्टर है, मेरे शिष्य है वो, मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में, उसको वसुंधरा ने भेजा, जाओ
देखो कितने केस ठीक हुए। तो हमारे ट्रस्ट है मेरा, उसमें एक रामू राम नाम का ट्रस्टी है, उसको मिले तो उसने कहा कि दो ही केस, एक तो भंवरलाल और एक बद्री, ये तो आपके इंडोर पेशेंट थे मधुरादास माथुर हॉस्पिटल में, क्यों डिस्चार्ज किया ये बता दो। तो कहते राम साहब नौकरी करनी है, आदेश है सीएम का, और जाके लिख दिया एवीएस के कोऑपरेट नहीं कर रहा। भंवरलाल आया तो ट्रेस हुई जब एड्स उसको, तो 65 kg वजन था। उसने मुझे सब बताया, ये बड़े बड़े बहाने बनाते हैं मगर एड्स फ्री नहीं मिलता, इसको लोग खरीदते हैं। उसने कहा जी मैंने तो खरीदा बॉम्बे से, अब वो इंडोर पेशेंट हो गया, 46 kg वजन आ गया, ड्रिप बंद हो गई, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, कह दिया 2-4 घंटे का है, बुधवार था, घर गए तो रोने कूकने लग गया वो। उसने कहा मैं इतना ही समझ रहा था, सुन रहा था और समझ रहा था आप क्या कह रहे हो, आंख भी नहीं खुलती थी, हिल डुल सकता ही नहीं था, तो रोने लगे तो मैं समझ रहा था कि ये क्योंकि मरने जा रहा हूँ इसलिए ये रो रहे हैं। 35 साल का जवान, आज वो 90 kg का है। अरविंद माथुर ने मुझे कहा गुरु जी आप, वो चला मेरा कि आप बाहर घटने बटने की बात मत कहो, इससे तो हम पकड़ में नहीं आएंगे, आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो। वो 50 से नीचे आ गया, दुनिया मानेगी भारत मानेगा नहीं मानेगा, तो मेरे तो कोई हजारों का वायरल लोड 50 से क्या 20 नीचे आ गया, नील भी चले गए। जे हॉस्पिटल में एक लड़की थी बंजारन, उसका हस्बैंड मर गया, तो मरते हुए रिपोर्ट फाड़ गया, फिर वो अभी रीना सिंह यहाँ आई हुई है उसके साथ, जो वो कोटा आ गई दीक्षा ली, वो गई ठीक महसूस हुआ तो उसी हॉस्पिटल में गई, जे हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के पास, उसने 3 दफे खून लिया, तो कहने लगे रोज तो डॉक्टर साहब 1 दफे लेते हो, कहने लगा तेरा आदमी मर गया ना, कहने लगा हाँ, तो कह तेरे तो एड्स है ही नहीं, पॉजिटिव नगर कुछ भी नहीं, नॉर्मल आदमी की तरह उसको खून आया। मैंने 2004 में गया तो मैंने उसके फादर को बुलाया, मैंने कहा तू FIR करवा दे कि डॉक्टर देते नहीं हैं। उसने कहा गोजे जवान लड़के मैं दूसरी शादी कर दूंगा, मैं झंझट में नहीं पड़ता हूँ। दूसरा बद्री, उसको केवल मेरी तस्वीर से योग हुआ, अस्पताल में भर्ती था, गांठे हो गई, पस फॉर्मेशन हो गया, बदबू आने लगी, डॉक्टर ने कहा ये वार्ड खाली कराएगा, मेरे किसी शिष्य ने उसको तस्वीर दे दी, उस तस्वीर से योग होने लग गया, 4-5 kg वजन बढ़ गया, उसको महसूस होने लगा अब ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने पूछा बद्री छुट्टी दे देंगे, दे दो, आज वो पूर्ण स्वस्थ है, मतलब केवल तस्वीर के ध्यान से और एड्स ठीक हो गया। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, मानसिक नशा आ जा नाम का आ जाए तो मेंटल टेंशन खत्म, समझे समझे, ये दो तो रोग खत्म हो गए, समझे, और नशा छूट जाता है, तो इस प्रकार सारे परिवर्तन आ जाते हैं। आज जो पूरा विश्व कलयुग है, कलयुग है, समझे, तो लोग पीछे देख रहे हैं, सारे धर्म की स्थिति है। हम कहते हैं राम ने किया, कृष्ण ने किया, सत्ययुग में चले जाओ, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, और चल रहे हो आगे, तो खड्डे में नहीं गिरोगे तो क्या होगा, ठोकर नहीं खाएगा क्या होता। केवल हमारा योग दर्शन, पातंजलि योग दर्शन कहता है साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। उसमें 4 चैप्टर है समाधि पाद, फिर समाधि किससे लगती है तो साधन पाद, फिर उनसे क्या हासिल होता है, विभूतियां कैसी हासिल होती है उसको कहते हैं विभूति पाद, और आखिरी है केवल पाद।
तो विभूतिपाद में छह सूत्र है, 33वां और 36वां। उसमें ऋषि ने कहा साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास फ्यूचर देखता हुआ है, दूर देश में छिपी हुई गाड़ी छिपी हुई वस्तु भी उसको दिख जाती है। अणिमा आदि आठ सिद्धियों का वर्णन आता है उसमें योग दर्शन में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल। आदि मुनि थे पातंज ऋषि, योग वशिष्ठ भी हुए हैं। तो इस प्रकार जब आप देख लोगे, अब एक बात मैं और बताने भूल गया, मेरी एक किताब है रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, इंग्लिश की है एडिशन। वो ईसाई मेरे से परेशान इसलिए हैं कि ईसा 18 साल गायब रहा था उनका, 12 साल की उम्र में गायब हो गया, जो 30 साल की उम्र में वापस वहीं जाके प्रकट हुआ, और वहाँ जाके फिर वो हमारे दर्शन की बात बोलने लग गया। एक्सेप्ट मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने ये बी बोर्न अगेन तो भारतीय टर्म्स है, 8 मास के शरीर की रचना करते हैं पहले गुरु, वो दूसरा आत्म साक्षात करने वाला है। मैंने कहा मेरे पास आओ और ले वो दीक्षा और अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देख लो, तो कहाँ जन्म मार कित 18 साल कहाँ रहा दिख जाएगा वो, तो परेशान है। मैंने वो किताब साहब वो भेज दी वहाँ, यहाँ भी काउंटर पे मिलेगा, रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, और उसमें पातंजलि योग दर्शन का भी है। तो इस प्रकार आपका विज्ञान मानता है ना, जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। अगर प्रॉपर मशीन हो तो सुन सकते हो, सुन नहीं पा रहे। हमारा योग दर्शन करता जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, बोलते हुए देखा जाना संभव है, वो तो घटना घट गई, वो तो रिप्ले दिखाना है। हमारा योग दर्शन करता है अभी जो घटना नहीं घटी, जो शब्द नहीं बोला गया वो पहले सुना जा सकता है। जो कुछ रिजल्ट में दे रहा हूं वो परिवर्तन पहले मुझ में आया आराधना से, तो ये आपको आएगा। मैं जिस गांव नहीं गया वो नहीं बता सकता, तो ये परिवर्तन मुझ में पहले आया। पहले तो मुझे भ्रम हुआ ये क्या हो गया, फिर वो पातंजलि योग दर्शन आया, फिर ये महर्षि अरविंद की एक किताब आई, उसमें ऋग्वेद का वर्णन है। उसमें ऋषि ने कहा कि 7 प्रकार के सेल से मनुष्य की शरीर रचना होती है, उसके अंदर आत्मा है, फिर वो अलग अलग तत्व की बात करता है। तो पहले मैटर से शुरू करता है, अन्न से बनने वाला अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष। तो विज्ञानमय कोष तक तो विज्ञान ने खूब उन्नति कर ली, कृष्ण को हम सच्चिदानंद कहते हैं। मैंने अमेरिका में कहा जब तक ऊपर के 3 कोष चेतन नहीं होंगे तुम्हारा मैटर इलाज नहीं करेगा, आपको इसके साथ स्पिरिट को प्लस करना ही पड़ेगा। वो परेशान तो है, मगर जब रिजल्ट ने 500 केस मैंने वहाँ दिया है जो या सरदार जी को दिया है, समझो अटल जी की सरकार में दिया, सुषमा स्वराज स्वास्थ्य मंत्री थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब सोने गांधी देखिए क्या इसका क्या लेना देना है हमारे दर्शन से। वैष्ट मान जाएगा तो यह देश मान जाएगा, समझे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है तो क्या है, सबसे उत्तम दान अध्यात्म का दान, फिर विद्यादान और फिर प्राणदान। तो मैं कहा तेरे को तो मुफ्त में दान नहीं बन रहा है, वहाँ भी मैंने कहा था। ये अमिताभ बच्चन का एक चैनल है न्यूजर्सी में टीवी एशिया करके, तो उसने वो मद्रास में करवाया था ना ब्यूटी वाला, कर्ज से दब गया था, इसलिए वो अमर सिंह मुलायम सिंह ने पैसे उतार दिए। तो अब वो HR शाह है यहाँ के, आपके गुजरात के, वो चलाते हैं। उसमें मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ था, टेलीकास्ट हुआ था पूरे अमेरिका में, समझे ना, समझो टोरंटो सिटी में भी हुआ था। तो लोग बहुत हैरान हुए, मैंने कहा मैं डॉलर लेने नहीं आया हूँ,
समझे, वो बहुत हैरान है, सबसे ज्यादा हैरान इसलिए पैसा नहीं लेता। मैंने उन्होंने कहा पैसा तब लूँ जब कुछ आपको दूँ, मैं तो कुछ नहीं दूंगा। और मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आप जन्म से पूर्ण हो, मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, समझे नहीं समझे। तो इस प्रकार कुंडलिनी कंठकूप से ऊपर उठते फिर प्राणायाम होगा, समझे। आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे, उन्होंने कहा कि योग जो वेद रूपी कल्प तरु का अमरफल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। मतलब अंग्रेजी भाषा में आपके फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को तो टैकल कर रहे हैं, मगर स्पिरिट के मामले में घबरा जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करते हुए आदमी घबराता है, समझे। तो इस प्रकार आप ध्यान और समाधि की स्थिति में इस आँख से अनलिमिटेड फ्यूचर देखोगे, पास्ट भी देखोगे, मगर भविष्य देखने में आपको कई ऐसे आदमियों के, स्त्री पुरुषों के मौत दिख जाएगी जो आपसे परिचित है, परिचित है। किस उम्र में मरेगा, रोग का कारण क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली जैसे दिखेगा वैसे मर जाएगा, 10-20-30 वैसे मरते गए। एक दो में तो एक्सेप्शनल करके आदमी इग्नोर कर जाता, जब 10-20-30 सारे मर गए और जैसे दिखे वैसे मर गए, और कहीं ख्याल आ गया तू कौन सा मर रहेगा, तो दिख जाएगा कैसे मरोगे। आदमी मौत से बहुत डरता, आप सब जानते हो ना, मरना पड़ेगा और बचने का कोई उपाय नहीं, तो फिर डरते क्यों। तो इस नाम जप से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा और मौत की सच्चाई आ जाएगी। तो इस जीवन में रहते हुए जीते जी अमर हो जाओगे, टेरिस्टोल इमोर्टी, इमोर्टी पार्थिव अमृत, समझे। जब दिखा अपनी मौत तो आंख बंद करके प्रार्थना की भगवान से, यहाँ देखा आंख बंद करके, तीसरा नेत्र खुलेगा तो ही फायदा होगा। नौ द्वार तो एग्जिस्ट, बाहर खुलते हैं, समझे नहीं समझे। जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में ब्रह्मांड भी सारा है, ब्रह्मांड का रचयिता भी सारा है, और वो कुंडलिनी जो है मदर ऑफ यूनिवर्स, वो भी अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो आपको मिलेगा बाहर से नहीं मिलेगा, अंदर से मिलेगा। मैं तो अंदर एंटर होने का एक तरीका बता दूंगा भाई, और जो मुझे वाला आप सबको मिलेगा, मगर नाम जप करोगे तो मिलेगा, समझे। तो इस प्रकार मृत्यु से साक्षात्कार हो जाएगा। कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे मोरे मन, आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक सरफेस में नहीं आया था। और हमारे धर्माचार्यों में कई गलती है कि जवान लड़के लड़कियों कहते हैं जी मंदिर जाओ, कि गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, समझे समझे, हनुमान चालीसा पढ़ो। वो कह रहे थे अभी उम्र है क्या, आपकी उम्र में हम भी कर लेंगे। उनको नहीं पता, मैं जानता हूँ, मैं 82 साल का हूँ, और फिर 100 दर्द हो जाएंगे, कई तकलीफ हो जाएगी, फिर राम में ध्यान ही नहीं जाएगा, लगेगा नहीं, रोग में लगेगा, समझे। तो इस प्रकार जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, आज एक खेचरी मुद्रा और है, मैं बताना भूल गया। यहाँ गुजरात में खेचरी मुद्रा से के लिए बड़ा आश्चर्य करते हैं। एक तो ऑटोमेटिकली योग, खेचरी मुद्रा में क्या है कि जीभ पीछे खींचती है और सख्तों के ऊपर तालों में धस जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिंच करती, वहाँ से एक रस टपकता है, उसको अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, तहाँ अमृत का वासा,
सुगरा हो बरबर पीवे निगुरा जाए प्यास। तो आज दुनिया में कथा अमृत पानी करवाया जा रहा है। वास्तव में आदमी में अमृत है, ये तो केवल योग दर्शन बताता है, ये शैव दर्शन बताता है। मैं कश्मीरी शैव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूँ। कश्मीरी शैव सिद्धांत में जाति धर्म और राष्ट्रीयता कोई मायने नहीं रखती, समझे नहीं समझे। उसमें मतलब योग के आठ अंगों का अनुष्ठान बताया है, समझे नहीं समझे। सृष्टि स्थिति तय तिरोधाम, मतलब पैदा होता है जीता है फिर ढलती है उम्र और फिर मर जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि पांचवा काम गुरु करता है, गुरु साधु की वस्तु स्थिति से परिचित करवा देता है। पांचवा ज्ञान का दाता गुरु होता है। तो इस प्रकार आप सब अपने आप में पूर्ण हो, मगर आपको तरीका नहीं बताया किसी ने अंदर घुसने का। बाहर से अंदर घुसते हो। एक महर्षि अरविंद की किताब में इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बॉडी, एक लड़का ध्यान में बैठा था, अपनी बॉडी से निकलेगा किसी अपने मित्र के, वो वेंटिलेशन से अंदर चला गया। अब वो उसको अपने प्रेजेंस बताने की कोशिश की, मगर वो फिजिकल बॉडी तो थी नहीं, सबटल बॉडी थी। फिर वो वापस आया तो पैरों से घुसने की कोशिश की, फिर स्लिप हो गया। फिर घबरा कर देखा मर जाऊंगा, तो मदर थी आश्रम की, अरविंद आश्रम की फ्रांसीसी औरत, उसको याद किया। तो यहाँ से मतलब हाथ से घुसता है, हाथ से निकलता है, समझे। एक मुनसर नाम का टीटी है रेल में जोधपुर में, उसकी लड़की 6-7 साल की थी 97 में, तो जमीन से 1.5 फीट ऊपर उठ जाते थे। अब सबडल बॉडी उड़ जाए तो बात समझ में आए, फिजिकल बॉडी उसकी, फिर आइंस्टाइन और न्यूटन का सिद्धांत कहाँ गया है? और यह शीर्षासन हो जाता है, बिल्कुल नहीं हाथ के अनबैलेंस हो जा, नहीं होता आदमी, दीवार वीवार के सारे की जरूरत नहीं, यहाँ हो जाएगा, हजारों को हो रहा है, आपको हो सकता है। तो इस प्रकार ये सारा परिवर्तन आएगा केवल ईश्वर के नाम जप से और ध्यान से। अब वो नाम बताऊँ आपको, उससे पहले एक मर्यादा का वर्णन कर दूँ। राम और लक्ष्मण उस हिरण को मारने गए तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी, लक्ष्मण रेखा प्रसिद्ध है। और रावण ने पाटे पर पैर रखा के सीता को बाहर ले लिया, बाहर लेते अपहरण हो गया। तो इस प्रकार मैं भी एक मर्यादा लगा रोक लगाता हूँ कि जो नाम मैं बताऊँ उसको आप बोल करके या इशारे से किसी तरह से नहीं बताओगे। साथ जो आया वो बता दो आप, कोई बात नहीं, अनपढ़ नहीं है तो पूछ लो एक दूसरों, मगर जो दीक्षित नहीं है ना उसको नाम नहीं बताओगे, समझे। अब वो मंत्र बता दूं, वो राधा देख भाई, हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया आ जाए तो स्केच कर देना, और सब मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई ये ऑफ द रिकॉर्ड है मंत्र, इसको आप नहीं छापोगे ना आप इसको टैप करोगे, बाकी जो कुछ हो बताओ। अभी इंटरव्यू जो लोगों का योग होगा उनका इंटरव्यू लो, बाकी आराधना में भोगे तो मोक्ष नहीं, मोक्ष तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता है। ये गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया भाई, तो इसको जपना है आपको, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, ये ना बताओ भाई। अब वो पर्चे बांट देते हैं, पर्चे कोई देख ले आपको कोई चिंता की बात नहीं, पर्चे कोई देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ लड़कियों को दे दो 10-15 को, आप इधर जेंट्स की तरफ दे दो, उठो बैठो छोरी उठ जाओ ले लो, चलो खड़े जाओ, जवान जान छोरी खड़े जाओ, चलो उधर जेंट्स में दे दो भैया।
पहले जो दीक्षित है वो तो नहीं लेंगे, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। और दो दीक्षित नहीं है उसको कहो कि एक मिनट मेरी तस्वीर को देखो और यहाँ ध्यान करे, दीक्षित नहीं है वो राम राम ही जपे, मतलब मंत्र के बिना पाठ नहीं पड़ेगी, यहाँ ध्यान करे और प्रार्थना कर ले कितनी देर पढ़ना है और कह दो राम राम ही जप, योग हो जाएगा। जहाँ के रहने वालों वहाँ और वेस्ट में भी, यहाँ के लोग 50 लाख तो पटेल वहाँ आए, तो वहाँ तक वहाँ भी मैसेज करो। हाँ चलो बट गए, अब करो ध्यान करो, यहाँ आगे चक्र पे तीसरे नेत्र में मुझे देखो, दो चार मिनट रुकेगा फिर चल जाएगा, फिर मुझे देखोगे। गुरु क्या है, गुरुत्वाकर्षण गुरु है समझे, मगर नाम जब से फायदा होगा ज़्यादा, जब वो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग।
You need that. Thank you.